धनबाद पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए मात्र 12 घंटा के अंदर ही टुंडी थाना क्षेत्र के पुनाडी में टाटा कंपनी के रिटायर्ड कर्मी उमेश मंडल के घर हुई डकैती का उद्भेदन करते हुए दो डकैतों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने उनके पास से 5 कट्टा और लूट के जेवरात और कपड़े भी बरामद किए हैं। यहां आपको याद दिला दें कि बीती रात टुंडी थाना क्षेत्र के पुनाडी में टाटा कंपनी के रिटायर्ड कर्मी उमेश मंडल के घर बच्चे सहित घर के लोगों को बंधक बनाकर लाखों के जेवरात सहित नकद की डकैती की गई थी। धनबाद पुलिस ने मामले की गंभीरता को समझते हुए बीती रात ही राजगंज थाना क्षेत्र से संदेह के आधार पर दो मोटरसाइकिल की जांच के लिए रोका, पर वे भागने में सफल रहे। लेकिन कतरास थाना क्षेत्र में उस मोटरसाइकिल को फिर से पकड़ लिया गया। इस दौरान दो लोग बैग लेकर पैदल जा रहे थे। संदेह के आधार पर सुबह 4 बजे इनको जब पुलिस द्वारा रोका गया तो इनके पास से जेवरात, कपड़े और 5 देसी कट्टा बरामद किया गया। गिरफ्तार दोनों डकैतों ने कहा कि डकैती कांड में तीनों मोटरसाइकिल पर सवार संलिप्त ही थे। पुलिस का कहना है कि जांच की जा रही है, इसमें जो लोग भी संलिप्त होंगे सभी को गिरफ्तार किया जाएगा। टुंडी थाना अंतर्गत पूर्णाडी गांव में एक 395 की घटना हुई है। घर के अंदर कुछ लोगों के द्वारा डकैती की गई है, जिस क्रम में अग्रतर छानबीन किया गया, इनको आता हुआ दिखाई दिया डोमनपुर चौक के पास, जो राजगंज थाना अंतर्गत पड़ता है। वहाँ पे इनको कुछ ये 6 लोग 3 मोटरसाइकिल पे आते हुए दिखाई दिए, जिनको चेकिंग के दौरान रोका गया। रोकने के क्रम में ये भागने का प्रयास इनके द्वारा किया गया, जिसके क्रम में 2 मोटरसाइकिल जो है वो राजगंज थाना अंतर्गत भागने में सफल नहीं हो पाए। 2 मोटरसाइकिल राजगंज थाना अंतर्गत जब्त किया गया और 1 मोटरसाइकिल वहाँ से निकलने में सफल हुए। कुछ ये लोग जो वहाँ से निकलने में सफल हुए, उनको आगे एक दूसरी टीम के द्वारा, जो कि उस समय कतरास थाना अंतर्गत गया पुल के पास गश्ती में थी, उनके द्वारा करीबन सुबह के 4 बजे इसको ट्रेस किया गया है। सबरन समाचार के लिए धनबाद से ब्यूरो रिपोर्ट।